अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अर्शयन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। देखते हैं खाने का मन करे, टेक्सचर जबरदस्त हो, टेस्ट भी लाजवाब हो, तो ऐसी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो बनाने में बहुत ही इजी है और इसके सारे मसाले आपको आपके किचन में ही मिलेंगे। रेसिपी बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत टेस्टी भी है, रेस्टोरेंट और ढाबों को फेल कर देने वाली रेसिपी है। तो ये रेसिपी आप अपने घर में जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ हमने 400 ग्राम मशरूम लिया है। हमने इसको गर्म पानी में 2 मिनट के लिए रख दिए थे और इस पे जो मैल मिट्टी होती है वो कुछ ही देर में साफ हो जाती है। और यहाँ हमने इसको 2 पीसेस में कट कर लिया है। आप इसको छोटे पीसेस में कट करना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बटन मशरूम लिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इसको हम अच्छे से क्रश कर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें 3 टेबलस्पून हम दही डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा। मसाले का फ्लेवर अच्छे से ऑयल में आ चुका है। यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। इसको डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक और लहसुन अच्छे से भून जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटर को हमने बारीक काट कर डाला है। अगर आप टमाटर को बारीक काट कर डालेंगे तो ग्रेवी में टेक्सचर बहुत अच्छा सा आएगा बजाय पीसने के। मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारे मसाले ही अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें जो मशरूम हमने मैरिनेट करके रखा था उसको भी हम इसी में डाल देंगे। मसाले के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मैरिनेशन के टाइम पे हमने इसमें दही यूज़ किया था। जब दही हम इसमें डालते हैं तो काफ़ी पानी छोड़ता है। मशरूम को हमने मसालों के साथ 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। 1 से 2 टीस्पून के करीब हम इसमें बटर डालेंगे। आप यहाँ अगर बटर नहीं डालना चाहते तो आप तेल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ हमने 7 से 8 काजू लिए हैं, इसको बारीक ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है, इसी में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। काजू पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। अब इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसको बीच बीच में 1 से 2-3 बार चलाते रहें। 4 से 5 मिनट पकते हुए हो गए हैं। हमने इसको 2 बार बीच में चलाया था। अब देखिए बढ़िया सी मशरूम की ग्रेवी बनकर तैयार है। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और गैस को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा मसाला मशरूम बनकर तैयार है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। तो ये रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। सारे मसाले आपको अपनी किचन में मिल जाएंगे और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ासकर पराठे के साथ या नान के साथ इस रेसिपी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। ये रेसिपी आप ज़रूर घर में ट्राई करें और देखें आप घर में कितनी लाजवाब रेसिपी बनाते हैं और घर में सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।